हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएससी ऑनलाइन क्लासेस। आपका एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप 29 जुलाई के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हम आपके साथ बने हुए हैं। ये देखिए, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस है क्या? एनएससी एक ऑनलाइन और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बैंक, रेलवे, एसएससी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसका तैयारी की जाती है। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह फॉलो कर सकते हैं। आप इसके बारे में जानकारी लेने के लिए ये व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 10,000 स्टूडेंट की ऑलरेडी जॉब लग चुकी है और अब नेक्स्ट नंबर आपका है। चलिए, तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है द फिफ्थ फेज ऑफ वंदे भारत मिशन टू बिगन फ्रॉम। अभी फिफ्थ फेज जो है वंदे भारत मिशन का, वो कब से स्टार्ट किया जा रहा है? तो ऑप्शन है आपके पास, फाइव ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपका कौन सा आंसर है? ये है फर्स्ट अगस्त। ओके, फर्स्ट अगस्त से जो हमारा फिफ्थ फेज है वंदे भारत मिशन का, वो स्टार्ट किया गया है। तो चलिए, बात आती है कि अभी एविएशन मिनिस्टर किनके पास है, एविएशन मिनिस्ट्री किनके पास है? तो वो है हरदीप सिंह पुरी। आप नोट डाउन कीजिएगा, हरदीप सिंह पुरी के पास जो है अभी हमारा एविएशन मिनिस्ट्री है। ओके, हरदीप सिंह पुरी। चलिए, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट। अभी किस कंट्री के द्वारा अभी एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका चाइना। ओके, ये है आपका चाइना। चाइना के द्वारा जो अभी एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सैटेलाइट का नाम क्या है। ये देखिए, इस सैटेलाइट का नाम है Xian 3 03। ओके, ये एक मैपिंग सैटेलाइट है, इसका नाम दिया गया है Xian 3। ये देखिए, अभी चाइना से रिलेटेड जब बात आई है तो हम लोग चाइना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं थोड़ा उनके तरफ भी देखते हैं। तो अभी चाइना में Long March 5 रॉकेट लॉन्च किया गया था। ओके, Long March 5 रॉकेट भी लॉन्च किया गया था चाइना में। 19 Asian Games 2020 स्मार्ट ट्रिपलेट, ये भी स्टार्ट किया जाएगा आपका चाइना में ही। और विंटर ओलंपिक्स 2020 जो है ये भी चाइना में होगा। और 2022 का जो पारा गेम्स है जिसका मैस्कट क्या है, फीफी, ये भी कहाँ पे होगा? चाइना में होगा। और एक न्यू डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई थी चाइना में, तो ये है आपका, ये मिस प्रिंट है, ये है आपका ERMB। ओके, ERMB, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ERMB जो है आप लॉन्च किया गया था, न्यू डिजिटल करेंसी है, ये लॉन्च की गई थी चाइना में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स है आपके चाइना से रिलेटेड, तो आप सारा सेशन देखिए। चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच IIT हैज अनाउंस्ड द मेकिंग ऑफ चीपेस्ट COVID-19 टेस्टिंग किट। अभी किस IIT के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो COVID-19 का टेस्टिंग किट होता है वो सबसे सस्ता बनाया गया है? तो किस IIT के द्वारा सबसे सस्ता COVID-19 का टेस्टिंग किट बनाया गया है? तो ये है आपका IIT खड़गपुर। ओके, IIT खड़गपुर के द्वारा अभी बनाया गया है चीपेस्ट COVID-19 टेस्टिंग किट। चलिए, आइए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इंडियन रेलवेज इज कंस्ट्रक्टिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल। अभी किस इंडियन स्टेट, इंडिया की कौन सी स्टेट है, इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे इंडियन रेलवे ने अभी कंस्ट्रक्ट किया है पहला इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल? तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका हरियाणा। ओके, ये है आपका हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए, जब हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ न्यूज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हरियाणा में अभी हाल ही में हेल्प मी मोबाइल ऐप जो है ये हरियाणा में लॉन्च किया गया था। और योगा स्कूल ये ओपन किया गया था, आयुष असिस्टेंट 1000 और आयुष कोच 22, ये भी कहाँ लॉन्च किया गया था? हरियाणा में। ओके, और 75% अप्रॉक्स ऑर्डिनेंस फॉर लोकल इन प्राइवेट सेक्टर, मतलब 75% अप्रॉक्स जो है लोगों को जो जॉब थी वो प्राइवेट सेक्टर में थी, इससे रिलेटेड भी न्यूज था। तो ये भी कहाँ लॉन्च किया गया? तो हरियाणा में। ओके, हरियाणा में। चलिए, और ये जो डबल स्टैक कंटेनर गुड्स ट्रेन होगा ना, ये बता देते हैं आपको, इसका जो स्पीड होगा वो आपका 100 किलोमीटर से भी ज्यादा होगा। ओके, मोर देन 100 किलोमीटर होगा।
उसके टनल से। चलिए आइए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which country's क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम has been banned for 2 years? ये किस कंट्री के क्रिकेटर हैं काजी अनिक इस्लाम? काजी अनिक इस्लाम किस कंट्री के क्रिकेटर हैं जिन्हें अभी हाल ही में बैन किया गया और ये बैन किया गया इनको 2 साल के लिए? तो ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? ये पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या तो ये हैं आपके बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं काजी अनिक इस्लाम, इनको बैन किया गया है 2 साल के लिए। तो चलिए बांग्लादेश से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूज देखते हैं। तो संप्रीति एक्सरसाइज, आपको याद होगा कि ये संप्रीति एक्सरसाइज जो है इस बार मेघालय में हुआ था, ये फरवरी में हुआ था, तो ये मेघालय में इस बार हुआ था। और जो संप्रीति एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच होती है? तो इंडिया और बांग्लादेश। ओके, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है संप्रीति एक्सरसाइज, इंडिया और बांग्लादेश। ओके, इंडिया और बांग्लादेश। देखिए अभी बांग्लादेश में ही बैन किया गया है फ्री इंटरनेट सर्विसेज, बैन किया गया है फ्री इंटरनेट सर्विसेज और डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म, डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म जो है ये भी लॉन्च किया गया है आपका बांग्लादेश में ही। और क्रिकेट बोर्ड के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था ताकि जितने भी प्लेयर्स हैं और हेल्थ उससे रिलेटेड, उनके जो उनके मेंटल से रिलेटेड, उनके हेल्थ से रिलेटेड, वो उनको ट्रैक करेगा वैसे प्लेयर को, तो ये भी जो है लॉन्च किया गया था वहीं पर, क्रिकेट बोर्ड जो है लॉन्च की थी ऐप। चलिए इससे रिलेटेड हो गया, बांग्लादेश से रिलेटेड आपके इतने सारे न्यूज हो गए साथ में। चलिए आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट प्रोवाइडेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू आर्मी हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली? अभी कितना अमाउंट जो है हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद के द्वारा अभी आर्मी हॉस्पिटल को दिया गया है जो कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो बताइए कितना अमाउंट दिया गया है? तो ये दिया गया आपका 20 लाख रुपीज। ओके, 20 लाख रुपीज जो है अभी प्रेसिडेंट जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी उनके द्वारा अभी आर्मी हॉस्पिटल जो कि न्यू दिल्ली में है वहां दिया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड 3 new high थ्रूपुट स्लैब ऑफ द ICMR इन नोएडा, कोलकाता एंड मुंबई? देखिए अभी किन्होंने इनोग्रेट किया है अभी 3 new high throughput लैब बनाया गया है ICMR के द्वारा। और ये देखिए 3 important cities में बनाया गया है, कहाँ पे? नोएडा, कोलकाता और मुंबई में स्टार्ट किया गया है। ओके, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किन्होंने इसको इनोग्रेट किया है? तो ये कौन है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको इनोग्रेट किया गया है ICMR में, न्यू हाई थ्रूपुट स्लैब में ये इनॉग्रेट किया गया। तो चलिए ICMR की बात हुई है तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का फुल फॉर्म है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आपका 1911 में। ओके, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1911 में, लेकिन इसको दोबारा से रीडिजाइन किया गया था 1949 में इसको दोबारा से रीडिजाइन किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और अभी जो करंट में इसके सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल है वो है डॉक्टर श्रीराम भार्गवा। ओके, डॉक्टर श्रीराम भार्गवा जो है अभी करंट में इसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल है। ये रिलेटेड हो गया आपका ICMR से। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सेटअप क्यों किया गया, ये जो लॉन्च किया गया है 3 new high throughput लैब्स, ये किस लिए किया गया? तो आप ये जान लीजिए कि ये आपको हेल्प करेगा कि मतलब जो भी COVID-19 से इन्फेक्टेड पेशेंट हो गए तो उनको पहले डिटेक्शन, मतलब हम लोगों को पहले पता चल जाएगा कि उनको कोविड है। ओके, वो कोविड से अफेक्टेड है, तो ये चीजें पहले पता करने के लिए ये चीजें बनाई गई हैं। ठीक है, न्यू थ्रूआउट लैब्स इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? नोएडा, कोलकाता, मुंबई, ये भी याद रखिएगा, नोएडा, कोलकाता, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विथ विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज साइंड एन अग्रीमेंट ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन? अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है आपका साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन से रिलेटेड? तो वो कौन सा टेक्नोलॉजी, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? तो ये है यूरोपियन यूनियन। ओके, यूरोपियन यूनियन के साथ जो है अभी जो है इंडिया जो है अग्रीमेंट साइन किया है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन से रिलेटेड। तो चलिए यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आपका हो गया ब्रुसेल, बेल्जियम। ओके, ब्रुसेल, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक
का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, शांघाई चाइना में है। और अभी करंट में कुछ दिन पहले जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है अभी 1 बिलियन का लोन दी थी इंडिया को, ओके 1 बिलियन का लोन दी थी इंडिया को। एडीबी जो है अभी बांग्लादेश को $500 मिलियन का लोन दी है, एडीबी जो है $500 मिलियन का लोन दी है बांग्लादेश को। तो चलिए इसका एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मैंडालियोंग फिलीपींस, ओके मैंडालियोंग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और AIIB जो है ये अभी 500 मिलियन का लोन दी थी इंडिया को COVID-19 से जो इफेक्ट हुए हैं इसके लिए, अभी 500 मिलियन का लोन दिया गया था AIIB के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना, ओके AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है बीजिंग चाइना, ओके चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HDFC बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP एट डैश इन द फाइनेंशियल ईयर 29। HDFC बैंक के द्वारा अभी कितना GDP ग्रोथ रेट इंडिया का रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, -3.5%, -4.7%, -5%, -7.5%। ये है आपका -7.5%, ओके -7.5% जो है HDFC बैंक के द्वारा ये प्रोजेक्ट किया गया है कि जो इंडिया का जो ग्रोथ रेट होगा 21 में वो -7.5% होगा। लेकिन अभी जो है हाल ही में RBI, SBI, CRISIL, Fitch और S&P के द्वारा भी रेटिंग की गई है, तो आइए उसके बारे में भी डिटेल देखते हैं। RBI के द्वारा किया गया था -1.5%, ओके यहाँ पे माइनस छूटा है, -1.5%, ये था आपका RBI के द्वारा। SBI के द्वारा -6.8%, CRISIL -5%, Fitch -5%, S&P -5%, ओके ये और भी RBI के द्वारा, ये सबके द्वारा भी रेटिंग की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following has been named as FWA Footballer of the Year? इनमें से किन को अभी Footballer of the Year के नाम अभी घोषित की गई है, बताइए, सुमन ग्वानी, जॉर्डन हेंडरसन, पैब्लो एल्बर्गा या राजीव जोशी? ये है आपके जॉर्डन हेंडरसन, ओके जॉर्डन हेंडरसन को अभी FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर नाम से घोषित किया गया। तो देखिए सुमन गामिनी ये भी अभी न्यूज में थी, तो ये न्यूज में अभी नहीं थी, कुछ दिन पहले थी। तो जैसे कि इनको जो है ना यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया गया है, सुमन गामिनी को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। राजीव जोशी को अभी इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, ओके राजीव जोशी को। पैब्लो एल्बर्गा को फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया है पैब्लो एल्बर्गा को फुटबॉलर ऑफ द ईयर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड दिया गया, ओके तो ये जो सारा नाम है आप इससे रिलेटेड भी न्यूज देख सकते हैं। चलिए आइए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया हैज अफर्म्ड अ शेयर्ड कमिटमेंट टुवर्ड्स अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विथ विच कंट्री? इंडिया के द्वारा अभी एक शेयर्ड कमिटमेंट अग्रीमेंट किया गया था, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो ये किस कंट्री के साथ किया गया था, किस कंट्री के साथ किया गया था? तो ये है आपका UK, ओके ये है आपका UK के साथ जो है इंडिया अभी एक शेयर्ड कमिटमेंट किया था, किसके लिए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए UK के साथ। तो देखिए अभी जो फ्रांस में एक फेमस साइकिलिंग रेस होता है उसका नाम क्या है, टूर डी फ्रांस, ओके टूर डी फ्रांस जो है फ्रांस का एक बहुत ही फेमस साइकिलिंग रेस है जो कि अभी COVID-19 की वजह से पोस्टपोन कर दी गई थी। साउथ कोरिया में पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है NSS-2 बाय फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू, ओके फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, और इसके डेवलपर कौन है, SpaceX, और ये लॉन्च किया गया था आपका USA से, ठीक है लॉन्च किया गया था USA से, लेकिन लॉन्च किया कहाँ गया था, तो साउथ कोरिया में। चलिए जापान बिकम्स लार्जेस्ट US गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डर। अभी जापान जो है अभी सबसे ज्यादा US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड करने वाला पहला कंट्री बना था जापान, कितना था $1.27 trillion, ओके $1.27 trillion। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। विश श्रीलंका प्लेयर हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? अभी इस ऑप्शन में जितना नाम दिया गया है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्लेयर है जो कि अभी रिटायरमेंट लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ये है आपका शिपली
वीरा कोडी, ओके श्रीपली वीरा कोडी जो है अभी ये श्रीलंका के प्लेयर थे, ये क्रिकेट खेलते थे जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है। चलिए आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20th July इज सेलिब्रेटेड एज विच डे, अभी 20th July किस दिन से सेलिब्रेट किया गया है, तो ये आपका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ओके वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे से ये सेलिब्रेट किया गया है 20th July। और देखिए अभी जो इसका थीम क्या था, इसका थीम क्या था, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, याद रखिएगा हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर इसका क्या था, थीम था, ओके इसका थीम था, इसका थीम था, चलिए इसका थीम था। और साथ ही साथ जो है 20th July को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी सेलिब्रेट किया गया, तो ये दो चीजें सेलिब्रेट की गई है 20th July को, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम क्या था, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ओके हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Among which of the following launches सुकून से सुकून को ढूंढो, ओके अभी इसमें से किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया सुकून से सुकून को ढूंढो, बताइए mausam.com, housing.com, education.com या इनमें से कोई नहीं, तो ये है आपका housing.com, housing.com के द्वारा अभी लॉन्च किया गया सुकून से सुकून को ढूंढो। और आपको बता देते हैं ये housing.com से लॉन्च किया गया, तो ये किस लिए आपको आंसर देख के ही समझ में आ रहा होगा, तो ये है किस लिए कि जो भी लोन प्रोसेस होता है ना घर खरीदने का, तो वो जो है इजीली हो, वो सस्ता हो, क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो जो ये लोन लेना चाहते हैं हाउसिंग से रिलेटेड, तो उनके प्रोसेस को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, ईजी करने के लिए ये लाया गया है सुकून से सुकून को ढूंढो, ठीक है। चलिए आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following has been awarded with the Guren Eiffel Press Freedom Award? ये प्रेस के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बता देते हैं ये प्रेस से रिलेटेड अवार्ड है, तो ये किसको दिया गया है इस साल का Guren Eiffel Press Freedom Award? ये दिया गया है आपका अमल क्लोनी को, ओके अमल क्लोनी को जो है अभी ये अवार्ड दिया गया है Guren Eiffel Press Freedom Award 2020। ये जो भी प्रेस से रिलेटेड हो, जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं उनके अचीवमेंट के लिए ये जो है प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया जाता है, ओके प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है अमल क्लोनी को। चलिए सभी को थैंक यू, आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है, कल हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे 7 AM शार्प 7 AM में। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच, आप जो लोग नए हैं आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सभी को थैंक यू।